हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे किन्नौर जिला के रहने वाले गुमान नेगी का कहना है कि केंद्र से आने वाले फंड का धरातल पर सही इस्तेमाल नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे किन्नौर जिला के रहने वाले गुमान नेगी का कहना है कि केंद्र से आने वाले फंड का धरातल पर सही इस्तेमाल नहीं होता है, खासकर सड़कों के निर्माण और उनकी दशा सुधारने के लिए पैसा मकूल होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में बतौर अधिशासी अभियंता वे काम कर चुके हैं और किस तरह से धन का उपयोग होना चाहिए वे जानते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाला धन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का फंड ईमानदारी से प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वे चाहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनता का पैसा जनता के कल्याण और हित में खर्च हो, ऐसा वे सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को चाहे वन अधिकार अधिनियम हो या फिर नौतोड़, ईमानदारी से अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके अधिकारों की वे पैरवी करेंगे। चलो, मैं गुमान सिंह नेगी मंडी कंस्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी हूँ। मेरा मुद्दा ये होगा कि सेंटर का जो भी पैसा आता है उसे ठीक यूज करने के लिए मैं बरकस प्रयास करूँगा। दूसरी बात, ये पेंशन केस है, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, इनको पेंशन की जरूरत होती है और इनको मिलना चाहिए और इसके लिए मैं पहल करूँगा। दूसरा, ये PMJSY बोलो, कोई और सेंटर का स्कीम है, उसको ठीक तरह से मैं इस पे गहराई से उसका सदुपयोग कराऊंगा।